सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक हो। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया है। मैं आप लोग को पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं मेरी BMX को पेंट करने वाला हूँ। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है। मैं आप लोग एंड तक मेरे साथ बने रहना गाइस। इससे पहले मैंने जो कलर किया था वो कलर था ब्लू, स्टार्टिंग में ब्लू, के बाद रेड किया था। रेड के बाद में कुछ साल चलाया, एक या दो साल, उसके बाद मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा कलर करूँ। वो कलर बहुत अच्छा लगने लगा था तो फिर से मैंने रेड किया था। फिर रेड के बाद में फाइनल कलर ये वाला किया था, पर्पल। बहुत अच्छा कलर था, फेवरेट मेरा। और आज मतलब ये कलर को पूरा हम लोग रिमूव करने वाले और इस पर कुछ अलग कलर चढ़ेगा। आप लोग गेस करना और कमेंट्स करके बताना कि वो कलर कैसा लगेगा आपको। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो गाइस सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो सबसे पहले अपन इसका लुक देख लेते हैं। तो गाइस ये था फाइनल लुक और अभी हम लोग पूरा इसका पूरा पार्ट खोलने वाले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट व्हील से। तो फ्रंट व्हील पहले खोल लेता हूँ मैं। फ्रंट व्हील तो खुल गई है और अभी अभी हम खोलेंगे सबसे पहले ये हैंडल, क्योंकि पूरा पेंट सिर्फ इधर करना है। फ्रेम, फॉक, ये स्टैम और ये क्रैंक सेट। तो सबसे पहले हम हैंडल खोल लेते हैं। तो अभी खोलना है गाइस फॉक, ये है नट बोल्ट, फॉक भी खुल चुका है। ये फॉक को भी पूरा पूरा पेंट करना है। तो फाइनली गाइस आगे का पूरा सेटअप खुल गया है। अभी अभी इसको अभी ये चेन सेटअप खोलना है क्रैंक वाला। तो अभी ये क्रैंक खोलते हैं अपन सबसे पहले। क्रैंक भी खुल गया पूरा, क्रैंक का बोल्ट है। अभी इस तरफ का खोलना है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इसको पूरा फुल सर्विस किया था ग्रीस डाल के ये बोल्ट को, इसलिए थोड़ा आसानी से खुल गया, नहीं तो ये बहुत जाम होता है गाइस, जल्दी खुलता नहीं है। ये है क्रैंक सेट, इसको भी मैंने क्रोम कलर करवाया था, वो तो ब्लॉग में आपको बताया था मैंने। अभी ये जो है पूरा सेटअप भी खोल रहे, ये थोड़ा जाम है गाइस, देखते हैं अभी कैसा खुलता है। क्रैंक सेट पूरा खुल गया ये भी, अभी इसके अंदर का निकालना है ये पाइप। पहला तो वाइशर निकाल लेते। ऐसा मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको वापस से थोड़ा नट लगा लेते। ऐसा मारने से थ्रेड भी खराब हो सकता है। कभी भी ऐसा सब बोल्ट या पाइप निकालने के लिए बोल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। बोल्ट लगाएंगे तो उसमें ये जो थ्रेड होता है वो थ्रेड ख़राब नहीं होगा। तो ये तो पाइप निकल चुका है। सिर्फ गाइस कभी भी ऐसा अगर हम पेंट करते हैं तो इसका जो बैरिंग सेटअप होता है वो बहुत संभाल के
करना पड़ता है क्योंकि बैरिंग टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें। अभी तो इतना निकल चुका है और ऐसा निकलेगा नहीं है, इसको थोड़ा और मारना पड़ेगा। ये इसका इम्पोर्टेड हिस्सा है, पाइप है क्रैंक सेट का। ये सब हो चुका है, अभी इसकी जो बैरिंग है वो बैरिंग को बहुत संभाल के खोलना है क्योंकि ये बैरिंग बहुत ही कॉस्टली है गाइस। दो बैरिंग सेटअप आई थिंक 2500 के आसपास है, तो सबसे पहले बैरिंग खोलना है। ये व्हील तो खुल जाएगी मगर बैरिंग खोलना ज़रूरी है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, ये दोनों बैरिंग, यहाँ की दोनों बैरिंग टूट गई है निकालते समय। कोई नहीं, पहला ये काम कर लेते, पूरा कलर घस लेते हम लोग। इसलिए गाइस मैं बहुत आराम से निकालने की कोशिश कर रहा था, निकल ही नहीं रहा था। तो जब ये एलेंकी लगा के मारा कॉर्नर पे, तो उसका जो देखो ये कोना होता है, ये दोनों साइड का टूट गया। अभी कुछ करना पड़ेगा, अभी फिलहाल तो इस पे पूरा ये जो रिमूवर पेंट है हम लोग ये पूरा पेंट कर देंगे। तो गाइस अभी इसको पूरा हम लोग इससे पेंट करके ये कलर को रिमूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये है इसका पेंट रिमूवर, वो सब जगह लगाना है। लग गया पूरा फ्रेम पे, तो पूरा लग गया है, अभी इस पे लगाना है कलर। ये देखो गाइस कलर पूरा छूट रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी स्टैम्प पे करना है थोड़ा, ये भी पकड़ लिया है गाइस क्योंकि इस पे मैंने जो कलर किया था वो था पाउडर कोटिंग, उसके लिए इसका बबल्स ऐसा पूरा दिख नहीं रहा है, मगर इस पे भी कलर लग गया धीरे धीरे। अभी थोड़ा इसको थोड़ा टाइम तक रुकना पड़ेगा, 10-15 मिनट, जब तक थोड़ा बबल्स आ जाएंगे उसके बाद में पूरा इसको हम लोग घस देंगे। तो गाइस ये थोड़ा थोड़ा जगह पे बाकी है, देख सकते हो यहाँ का पूरा अच्छा फिनिशिंग हो गया है ये साइड का, इधर इधर पे थोड़ा थोड़ा बाकी है। टाइम बहुत कम है गाइस, बैरिंग लेने जाना है, दोनों बैरिंग टूट गई और ये फॉक का भी अच्छा फिनिशिंग हुआ है, थोड़ा थोड़ा और घसना है इसको। और ये देख सकते हो ये एकदम से मस्त हो गया है पूरा फिनिशिंग। अभी जाना है साइकिल वाले कलर वाले के पास, देखते हो क्या बोलता है, और भी थोड़ा तो घसना ही पड़ेगा। तो चलो फटफट इसको रख देता हूँ अंदर। ये दो पैक से इसको भी ब्लैक करना है पूरा, और कुछ छूटा तो नहीं छूटा। तो चलो गाइस चलते। तो गाइस थकते थकते ये देखो हाथ में है पार्ट्स, बाकी के जो पार्ट्स थे वो मैं रख दिया। थकते थकते अभी यहाँ तक आ गया हूँ, ये है देखो शॉप, यहीं पे पेंट होने वाला है, तो यहाँ पर एंट्री मारता हूँ। पूरा मैं पूरा घर से लेके आया,
सो गाइस आज डे टू है और आज देखते हैं कि मतलब कितना काम हुआ है BMX के कलर का। आज फ्राइडे था इसलिए मैं थोड़ा लेट गया, तो अभी देखते हैं कि कितना काम हुआ। को अभी मैं आ चुका हूँ इधर गैरेज पे, कलर बाइक का पेंट हो रहा है, पता नहीं कितना वर्क हुआ है इसमें। ये रात में तो थोड़ा घस के गया था मैं, ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे पूरा थोड़ा बाकी है, ये थोड़ा बहुत फिनिशिंग हो गया है और भी घसना है। पूरा घस के इसको पूरा क्लियर करके मैं आप लोग को बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग बाकी है। और भी अभी ये सब भर दिया है, ये पूरा फाइनल हो गया है। ये इस पॉकेट है, ये स्टैंड भी पूरा हो गया फाइनल, और ये दो पैग्स है, देख सकते फाइनल अभी ये प्राइमर स्टार्ट हो गया। और इधर ये कलर से पहले जो चढ़ता है प्राइमरी कोट है, ये पॉप हो रहा है। व्हाइट कोटिंग हो गया है देख सकते हो पीछे, और फाइनल कलर कल होने वाला है, तो मैं आप लोग को कल बताऊंगा। सो गाइस आज है डे थ्री और अभी मैं इस वक्त हूँ शॉप पे। जब मैं यहाँ पे शॉप पे एंट्री किया तो भाई कोटिंग कर रहे थे यहाँ पर, मतलब कोने कोने में थोड़े से कुछ फड्डे या क्रैचेस है उसको मिटा रहे थे। तो पूरा वर्क देखते हैं कि मतलब सूखा है या नहीं कलर। तो पहला हम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे फ्रेम थोड़ा सूखने के लिए रखे, तो अभी मैं आपको क्लियर बता दूँ। ये देखो पूरा सूख गया है, यहाँ पे थोड़े स्क्रैचेस थे तो उसको पूरा मिटा दिए। अभी अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये सूखा है या नहीं। ये है पैक और यहाँ पे है फॉर्क भी एकदम सूख गया है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आज फाइनल कलर होने वाला है और फाइनल कलर जब हो जाएगा, कलर होने के बाद हमको जाना है स्टिकर लगाने, तो हम वहाँ पर जाएंगे बाइक पे स्टिकर लगाने, तो वहाँ पर मिलते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ स्टार स्टिकी पे, और 2 साल से मैं यहाँ पे स्टिकर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टिकर करते। अभी ये फ्रेम में मतलब बिलीफ और वीदा पीपल जो जो मैंने लोगो लगाया था, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसा लगता है गाइस फिनिशिंग, और उसके बाद में लिकर चढ़ेगा। तो चलो चलते हैं, पहला इसको यहाँ रख देते हैं। हाँ यही है भाई, यही सेम कलर वाइट ना। हाँ कलर वाइट में रखते हैं।
गाइस देख सकते हो ये है वी द पीपल और इधर है बिलीव और ये है ए। तो थैंक यू सो मच उमर भाई, आपने बहुत ही अच्छा स्टिकर लगाए, दिल खुश हो गया मेरा। तो गाइस भाई बहुत अच्छा स्टिकर करते, इनके दुकान का नाम है स्टार स्टिकी, यहाँ पर खोलीवाड़ा स्टेशन जीटीबी नगर के पास बहुत फेमस है, आप लोग यहाँ पर जरूर एक बार विजिट करना और बहुत कम प्राइस में लगाते हैं गाइस। चलो उमर भाई बाय बाय। तो गाइस देख सकते हो ये है फाइनल लुक। कल सुबह मॉर्निंग में पता चलेगा इसका लुक कैसा आ रहा है। तो गाइस फाइनली ये पूरा कलर हो गया है पेंट और अभी जाना है फटफट फिटिंग करना है, इसके अंदर टायर है न्यू, तो चलो फटाफट फिटिंग कर दे। तो गाइस भी हम लोग पूरा यहाँ पर सेटअप लेके आ गए और अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉक से, तो ये फॉक का पूरा सेटअप लगाना है, तो चलो फटाफट लगा ले। पूरा लग गया है, अभी हैंडल बार लगाना है, ये पूरा हैंडल बार है, इसमें भी सेम कलर है गाइस, और चलो इसको लगाते हैं फट। ग्रीस लगाना जरूरी है ताकि बाद में कभी खोलना पड़े तो आसानी से खुल जाता है। स्टैम्प भी लग गया, अभी ये सीट लगाना है, इसका ये कवर जो है ये कवर भी चेंज करना है गाइस, अभी फिलहाल के लिए तो मैं इसी लगा देता हूँ। सीट भी लग चुकी है, अभी एकदम क्रैंक सेट का पूरा काम करना है और मैं आपको बताऊंगा क्रैंक सेट के जो मैंने नवी बैरिंग लेके आया उसके बारे में, तो अभी इसको उल्टा करना पड़ेगा, फटाफट इसको उल्टा कर लेते। तो ये बैरिंग है, ये वाली बैरिंग मैंने लेके आया हूँ गाइस 2500 रुपीस की, इसके साथ ये मिला है इसका पाइप, ये पूरा सेटअप है, तो अभी इसको ये बैरिंग को लगा लेते फटाफट, थोड़ा ग्रीस लगा के लगाना थोड़ा ज़रूरी है, उससे बैरिंग बराबर बैठ सकती है। यही थोड़ा डेंजर काम था गाइस, ये पूरा सेटअप हो गया है, अभी ये चैन, ये पूरी चैन लगाना है अब अच्छे से, चलो चैन का काम करते। सारा काम हो गया है और ये मैंने टायर लिया था नवा, तो ये नवा टायर भी लगने वाला है, अभी इसमें थोड़ा हवा भर लेते हैं, ये पंप है जो कि मुझे हमेशा काम आता है, जिधर पे भी मैं जाता हूँ या मेरी कभी पंचर हो जाती है तो मैं पंचर भी खुद बना लूँ, तो अभी इसका पहले आगे पीछे का हवा भर लेंगे। हवा भी भर गई है, ये फ्रंट व्हील है ये बैक व्हील है, सिर्फ व्हील सेट करना है, व्हील सेट के बाद मैं आपको इसका प्रॉपर सिनेमैटिक लुक बताऊंगा कि कैसी लग रही है भाई, तो सबसे पहले हम व्हील सेट कर लेते हैं। Thank you.
अच्छे का सेटअप हो गया है। अभी बस लास्ट काम है गाइस, लास्ट फ्रंट व्हील लगाना है, उसके बाद बाइक का सिनेमैटिक लुक देखेंगे कि कैसा आ रहा है। फाइनली पूरा काम बाइक का कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोग को मैं इसका पूरा सिनेमैटिक लुक बताऊंगा, सिनेमैटिक लुक कैसा आता है। ये रही, ये पूरी 4 दिन की मेहनत है गाइस, ये देखो एकदम लाइट वेट है पहले से ज़्यादा। और चलो इसका मैं आपको सिनेमैटिक लुक दिखाता हूँ। Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. फाइनली आज ये वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये मॉडिफिकेशन पसंद आया होगा और जो तरीके से इसमें हार्ड वर्क लगा है गाइस, मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ। 4 दिन लगा इसमें। सबसे खतरनाक ऐसा सीन हो गया था कि इसकी बैरिंग टूट गई थी, तो बैरिंग लाने जाना पड़ा। फिर बहुत सारे ऐसे कुछ प्रॉब्लम मेरे को आने लगे, मगर तो भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा। आप लोग के सामने है आज ये पूरी बाइक और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और खुश भी हूँ कि पूरी बाइक फाइनली कंप्लीट हो गई। और गाइस ऐसी मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहना और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता रहूँगा। ये कलर को आज 4 दिन हो गया है, 4 दिन से इस पर पूरा वर्क चल रहा था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखना गाइस, बाय बाय, टेक केयर।